आपको क्या कौन बोली थी आपको? चिनांग का बच्चा बोलो प्राइम मिनिस्टर को बोल के, इस देश में आपको मानना है नहीं मानना है आपकी मर्जी है, लेकिन पूरी कौम आपके साथ जुड़ी है ना। कैसे कैसे लोग बात किए, क्या क्या ट्वीट किए, क्या क्या व्हाट्सएप पे डाले, क्या क्या फेसबुक पे डाले, आपकी वजह से क्या पूरी कौम सुनना है बातें? एक शहर, एक देश का प्राइम मिनिस्टर है वो, हमको मानना है नहीं मानना है बात अलग है, लेकिन नहीं मानेंगे तो भी उन्हीं को मानना है क्या, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको जबान में बोल के गाली दे दिया, क्या आप बैठ के मैं आपको गाली दूं? क्या मैं गाली दे सकता हूं आपको? मैं तो कोई वंदे में नहीं हूं, दे सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं। खैर, गाली दिया, रुस्वा किया कौम को, जैसे उन्होंने आके घर के ऊपर वार करना शुरू कर दिया, आपको इमीडिएट माफी मांग ली। उधर भी सलील, उधर भी हमारी कौम को बुजदिल कर दिया। नहीं बोलना था आपको, बोल दिया तो कम से कम खामोशी इख्तियार करना था। बोलकर जलील किए आपकी गालियों में सबको, पूरी कौम को लेकर उन्होंने गालियां दी। थोड़ा आगे हंगामा करते ही माफी मांगी और पूरी कौम को बुजदिल कर दिया। क्या समझ के रखे आप? कुछ भी मैं कर लूंगा, मेरी कौम मेरे साथ है बोल के क्यों रहेगी आपके साथ कौम? क्या कौम के लिए आपके क्या क्या कदम उठा रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं ताउन करने वाले, ताउन कर रहे हैं, लेकिन नाम आपका रहेगा, टेप आप काटेंगे। ये काम बंद कर दो। मैंने आपको बोला था, मैं मेरे किराएदार को मैंने खाली करवाने के लिए फोन पे बोला खाली करो बोल के, लेकिन आपने उसको पकड़कर आपने मेरे ऊपर FIR करवाते हो। अगर जब मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप आपके बच्चे के सर के ऊपर कसम खा लो। इंशाल्लाह मैं सियासत तो क्या दूर की बात, शहर छोड़ के चले जाऊंगा। मैंने आपको बोला था ऐसी गलती मत करो बोल के, वो भी नॉन अवेलेबल वारंट। मेरे खुद का ओनर होने की वजह से कौन से मैं पूछता हूं, कोई एक ओनर अपने टेनेंट को दुकान देगा, घर देगा, क्या वो खुद जाके ओनर अब उसके घर के चोरी करके आएगा? क्या उस टाइम पे क्या गोरखे का काम कर रहे थे क्या? पेठा बन लेके टोपी डाल के छुप के देख रहे थे मुजाहिदी आगे चुराए बोल के? डायरेक्ट मेरे नाम के ऊपर कैसे FIR करवाए? आपको नहीं मालूम होता, होश नहीं है आपको? जो चार किराए के तट्टों को लेकर आपने उनकी बात सुनकर मेरे ऊपर FIR करवाए, वो भी नॉन अवेलेबल वारंट। मैं खुद मेरी बिल्डिंग के अंदर गया, चोरी कर छतर पर 5,000 रुपए लेके आया। क्या शर्म आने वाली बात है आपके लिए? आपके ओहदे के लिए शर्मनाक बात है। क्या उतना गिरा हुआ हूं मैं किसी की जायदाद नहीं हड़पा हूं आपके ऊपर? आज भी मैं उसका गवाह हूं, इंस्पेक्टर नागराज गवाह है। भारती नगर के अंदर केस चल रहा है आपका, जो बी रिपोर्ट डलवाए थे वो हमने करवाया था, बी रिपोर्ट सीना खान के बोल रहा हूं। अगर जब जरूरत पड़ी तो कानून के अंदर जाके मैं एक्सेप्ट करूंगा आपके खिलाफ। मैंने आपके फेवर के अंदर मैंने उधर क्या कह रहा था स्टेशन के अंदर बोल के, आपके पेपर हटाया है हमने, जियाउल्ला शरीफ की प्रॉपर्टी आपने हड़पी थी, आज की तारीख में भी जीपीए बकस जीपीए करवाकर आपने उसकी प्रॉपर्टी उनकी हड़पी। लेकिन आज मुझे बोलते हो 70 पर 5,000 रुपए किसी एक किराए के तट्टू को पकड़कर आपने मेरे ऊपर FIR करवाते हो। आपके ऊपर है, फॉरेंसिक लैब से है रिपोर्ट। मैंने आपको बोला था आइंदा गलती नहीं करना बोलकर, इंशाल्लाह आपको बोल रहा हूं ये चीजें पूरे डॉक्यूमेंट के जरिए से। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह साहब गृह मंत्री प्लस आपके पार्टी के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी के पास पूरे प्रूफ के साथ मैंने डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किया है, बाय पोस्ट भेजा है, इंशाल्लाह उसका रिपोर्ट मुझे मिलेगा। और आपकी कुर्सी बचाने के लिए जो कौम से खिलवाड़ कर रहे हो ना, ये बंद कर दो। हमने हटाया है पेपर्स आपके, इंस्पेक्टर नागराज ये सैयद मुजाहिद ने हटाया, जो 2013 का आपने इलेक्शन लड़ा उसके बावजूद आपने मेरे ऊपर इतना जुल्म करते हो। ये प्लास्टिक चुनने वाला अभी किसी को खड़ा करके उससे एक FIR करवा दो, क्योंकि एक बैनर वाला कर दिया बिल्डिंग पे, ये कांटे वाले को शादीमाल पे घुसा दिए, आप तीसरा टेलर को खड़ा किया, आप चौथा किसी प्लास्टिक छूने वाले को खड़ा किया FIR। कल का दिन बोलने के लिए आपको आसानी होगी, बहुत आसानी हो जाएगी। अरे अरे उनकी कोई कोई आपस में रंजिश थी, उसमें कुछ हादसा हो गया रहेगा, मुझसे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये सब नाटक मेरे पास नहीं करना। मैं बहुत इज्जत देता हूं, अगर छे मैं पीठ पीछे वार करना होता तो मैं आपके सामने ऐसा फेस टू फेस नहीं करता, ये आपकी कमजोरी है। मैं मानता हूं आज गौरी लंकेश मैडम ने जो नक्सलेट्स को लेकर आ रहा के उनको एक जिंदगी देने का तरीका ढूंढती है, क्या मुजाहिद
इधर के रोडियों को लेकर काम नहीं कर सकता, क्यों? उनको अच्छी बात बोलने का मुजाहिद को राइट्स नहीं है। मैंने भी पूरे डंके की चोट पर मैं बोलता हूं, पूरे रोडियों को जानता हूं मैं, शहर के 80-90% रोडियों को जानता हूं मैं, किसी से ये स्क्वायर फिट लेने के लिए नहीं, उनके मां बाप को एक अच्छा बच्चा बनवाने के लिए, उनकी बीवी को एक अच्छा शौहर बनवाने के लिए और उनके बच्चों को एक अच्छा बाप बनवाने के लिए मैंने उनके पीछे मैं मुहिम छेड़ के चला रहा हूं मैं, उनको अच्छा रेस सफल करने के लिए, ये मैं बोलता हूं। पूरी पुलिस को मानू मैं, आप जैसा नहीं हूं मैं, मौका परस्त और सियासत भी आप आपके मुफाद के लिए करते हो, जिसको चाहे उनको इस्तेमाल कर लेना। जो ब्रिगेड आजम को आपने इस्तेमाल किए मैं उसका गवाह हूं, जो अब्बास अली भौरा के इलेक्शन के अंदर आपने सज्जाद को क्या करने के लिए आजम को आपने इस्तेमाल किया था, इलेक्शन के अंदर रिजवान अरशद के पास ट्रक के ऊपर चढ़ाकर आपने बोल दिया कि मैं इसको जानता ही नहीं हूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं हूं, जानता हूं तो मैं बोलता हूं हां जानता हूं, मैंने इसके साथ कोई सियासत के मुफाद के लिए नहीं और ना इसके साथ कोई कारोबार के लिहाज से नहीं, मैंने इसको इंसानियत के जरिए से मैंने इनको साथ दे रहा हूं बोल के आपने बोल दिया मैं जानता ही नहीं हूं। झूठ बोलना आपसे सीखना है और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बेग साहब अल्लाह का करम है और मैं भी बहुत से लोगों के साथ उठता बैठता हूं, आपका वक्त खत्म हो गया है, अभी आपके फर्जंद हैं तो उनको छोड़ दो, आपके जीते जी अगर चे वो एक अच्छे सियासतदान एक अच्छे ओहदे पर आ गया तो अच्छा रहेगा, कौम के लिए भी भला रहेगा, क्योंकि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि भाई रहमान शरीफ हमारे जाफर शरीफ साहब पिछले 10 साल पहले ही कोशिश कर लेते तो आज वो बच्चा भी आज MLA बन के रहता, उनकी बुजुर्गी के टाइम पे उनको ख्याल आया कि भाई मैं पोतरे को मैं बनवाऊं बोल के, लेकिन उनके हाथ से नहीं हो पाया, ऐसे ही मौका आपके सामने भी ना हो जाए तो कम अज कम आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि ये सब चीजें आप देखो आप ही सोचो 6 महीने से आपने कितना कैसे कैसे काम कौम को रुसवा करने के कर रहे हैं और उसके साथ साथ मेरे साथ ये हरकतें, इन चीजों को मैं केयर नहीं करता। SDP वालों को आपने किए आज तक कितने भी लोगों को अरेस्ट करते हैं, स्टेशन पे लेके जाते हैं, उधर से बेल स्टेशन बेल करके छोड़ के भेजते हैं, आपका क्या गलत किया था उन्होंने? उन्होंने भी मुसलमान थे, बैल खसाइयों को गोश्त नहीं काटना बोल के इखलाक को हर एक को उधर मार रहे हैं जुल्म कर रहे हैं बोलकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मुझे भी फोन आ रहे थे रसूल मार्केट से इधर से, एक कोई माँ मुझे फोन की ताकि मुझे उनका पता नहीं बोलो बेटा अगरचे तेरे से हो सके तो मेरा बच्चा जब बाजार को जाता है जब तक घर पे वापस नहीं आता मैं तब तक मैं कुरान पढ़ लेके बैठती हूँ अल्लाह के लिए, हाईवे के ऊपर कोई जो गाड़ियां पुलिस की गाड़ियां डालने जैसे कुछ इंतजाम करवाओ ताकि बच्चे जैसे जाते हैं बाजारों को उधर से वापस आने तक हमको सुकून नहीं रहता, मैं कुरान पढ़ लेके बैठती हूँ उनकी, वो चीज के लिए हमने आगे बढ़े थे। SDP वालों ने उन्हीं के हक के लिए आवाज उठाई थी, अखलाक के लिए आपने सीधे उनको अरेस्ट करवाकर शिवाजी नगर चौक से 12 के 12 लोगों को जेल भेज दिया आपने, क्यों? आपका हक नहीं बनता था वो उनको छुड़वाने का? खैर हमारे बैदवाड़ी का बच्चा आसिम बोलकर यतीम था वो, 2 बहनें 1 माँ, जब माँ और बहनों को पालने का वक्त आया उस टाइम पे आपने उसको जेल को भेज दिया, क्या उसकी रिहाई के लिए आपने क्या काम किया? ये सब चीज हमारी कौम भूल गई है। मैं शिवाजी नगर के लोगों से मैं आजीजाना गुजारिश करता हूं हक और नाहक को पहचानो, बीजेपी हो जनता दल हो कांग्रेस हो SDP हो कोई भी हो, कोई हक का काम करेगा तो आप उसका साथ दो, या फिर ऐसों को लेके आप काम करोगे तो खुदा की कसम बोलता हूं हमको बाहर वालों से खतरा नहीं, हमको इनसे खतरा है। इंशाल्लाह 2018 का इलेक्शन भी मैं लड़ूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों के बीच में आऊंगा, अगरचे मैं कौम का काम नहीं करूंगा, अगरचे मेरी वो नीयत नहीं है कौम का खिदमत करने की, खुदा की कसम बोलता हूं अल्लाह मुझे गारत कर देगा, मैं आप लोगों का हमदर्दी के साथ काम करूंगा और आपका गुलाम बनकर काम करूंगा। ऐसे सियासतदानों को क्यों आपने इस्तेमाल कर करके 30-35 साल से गद्दी पे बिठा के रखे हो? इनको हटाओ और हटाने के लिए इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूंगा और मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह, और आने वाले दिनों में आप लोग पूरा मुझे साथ देंगे, हक के साथ साथ देंगे, ना हक को खत्म करो, मेहरबानी करके खत्म करो। अब हमारे सामने बहुत सारा आजमाइश का दौर चल रहा है, इन्हीं को एक को ही बचा के चलेंगे तो हमारा शहर और हमारा हिंदुस्तान कोई बचने वाला नहीं है, जो हक बोलने वाला रहेगा हर जगह हक की बोली चलती ही रहेगी इंशाल्लाह। इन्हीं को डालना बोल के इन्हीं को जिताना बोल के नहीं है, वही वोट मुझे भी डालो,
کیونکہ میں بھی حقدار ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، آج تک کوئی ایسے شرک کے کام نہیں کیا۔ شرک کرنے والے کو قرآن اور حدیث سے کیا ثابت ہے، آپ لوگ قرآن اور حدیث سے جان لو، یا پھر اگر سے نہیں جان سکے تو کوئی مفتیوں سے فتویٰ لے لو۔ شرک اور بدعت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کر کے ہے، اور وہ کہاں رہیں گے ہمارے ایمان میں، بول کے انشاءاللہ وہ سچائی کے ساتھ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں 10 تاریخ کے دن آپ آئیے، ہمارے شیر کرناٹک بیزت زمین صاحب بھی آئیں گے اور مزمل صاحب بھی آئیں گے۔ انشاءاللہ میں دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہوں، مولانا انصر شاہ صاحب سے بھی میں جا کر ادھر کوشش کروں گا۔ آپ لوگ پورے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیے گا انشاءاللہ میری بات سننے کے لیے۔